तो इस उपाय में दोस्तों हमें जो है लगभग 100 ग्राम जो है हमें लहसुन की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो लहसुन होता है दोस्तों ये एंटीबायोटिक गुण से युक्त होता है, यानी कि अगर शरीर में किसी प्रकार की बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो ये जो लहसुन होता है ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल हम अपने पशुओं के बुखार में कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य बुखार होती हैं वो हल्की फुल्की जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसी से होता है। तो इसे जो है दोस्तों हमें अच्छे तरीके से छील लेना है, क्योंकि जो छिलके होते इसे पशु हजम नहीं कर पाता है। और उसके बाद दोस्तों इसे हमें अच्छे तरीके से कूट लेना है। बिल्कुल पेस्ट जैसा तो तैयार नहीं करना है दोस्तों, लेकिन हमें इसे अच्छे तरीके से कूट लेना है ताकि इसका रस जो है अच्छे तरीके से बाहर आ सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतना हमें जो है इसे कूट लेना है। और उसके बाद दोस्तों हमें जो है आधा लीटर दूध लेना है। दूध को हमें अच्छे तरीके से पकाना है दोस्तों, कच्चा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप जो है गाय के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो भैंस का दूध, और अगर भैंस के लिए कर रहे हैं दोस्तों तो आप गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें हमें डाल देना है जो 100 ग्राम हमने लहसुन कूट लिया था, इसे इस दूध में सीधे डाल देना है दोस्तों। और उसके बाद इसे उबाल आने तक हमें पकाना है दोस्तों। उबाल आने के बाद दोस्तों इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें उबाल आ चुका है, और उसके बाद हम 5 मिनट तक इसे पकाएंगे तो जो लहसुन का रस है वो अच्छे तरीके से दूध में आ जाएगा। तो ये अब पक चुका है दोस्तों, अब हम इसे उतार लेते हैं। और उतारने के बाद दोस्तों इसे सीधे तौर पर पशु को नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। इसे थोड़ी देर के लिए जो है ठंडा होने के लिए रख देना है, और उसके बाद जो कुनकुना दूध है उसे ही हमें अपने पशु को देना है। इसे देने का तरीका ऐसा है दोस्तों कि हमें जो है अपने पशु को इसे दिन में केवल एक बार देना है, और लगातार जो है 3 दिनों तक हमें ऐसा ही करना है, जिससे हमारे पशु का जो बुखार है वो निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसे देने के बावजूद आपके पशु का बुखार कम नहीं होता है तो आप जो है अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में, और ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।